हम आए हैं तेरी शरण में, तू ही रास्ता हमें दिखलाएगा। हमें आए हैं तेरी शरण में, तू ही रास्ता हमें दिखलाएगा। तेरी महिमा का ना कोई पार है, सारे सुखों का तू ही भंडार है। तेरी महिमा का ना कोई पार है, सारे सुखों का तू ही भंडार है। सारे जग का है तू ही खिवैया, तू ही नैया को पार लगाएगा। सारे जग का है तू ही खिवैया, तू ही नैया को पार लगाएगा, तू ही नैया को पार लगाएगा। हमें आप सबको ये बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यालय की चार छात्राओं को इस वर्ष के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये अपने स्कूल की मॉनिटर्स भी हैं। इन बच्चियों ने बाल विवाह को रोका है, ऐसी वीरता देश की सभी कन्याओं को दिखानी चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। और ये छात्राएं हैं सरिता, सुषमा, नीलम और स्वाति। नमस्ते नमस्ते सर जी, आपसे प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो। हर प्रार्थना की पुरुषों पर क्यों आधारित होता है? जैसे कि? जैसे कि सर, आज प्रार्थना गीत में हमने कहा कि भगवान पल में राजा बना देता है, तो रानी क्यों नहीं कहा? और जबकि ये स्कूल तो लड़कियों का है। ये तो लड़कियों का स्कूल है, लेकिन भाई झांसी की रानी भी तो थी है? और तुम सब मेरी झांसी की रानियां हो, है ना? अगर तुम लोगों के मन में ये शंका आ ही गई है तो एक काम करो, तुम लोग अपनी अपनी कविताएं लिखो। अपने गीत क्यों नहीं लिखते? और फिर वो जो कविता वाली प्रतियोगिता हो रही है ना, उसमें अपनी अपनी कविताएं सुनाओ, हैं? ठीक है, मैं तुम सबको एक घंटे का समय देता हूँ, जाओ और अपनी कविताएं लिख के लाओ, ठीक है? ये जो अपने स्कूल में नए मास्टर जी आए हैं, ये अपनी लड़कियों को ऐसी बेसिर पैर की हवा लगा देंगे कि कहीं घर बसाने लायक नहीं रहेंगी। एक तो लड़की जा, ऊपर से इतनी लंबी जबान, भला कौन सुनेगा इनकी इतनी चबड़ चबड़। खाना पकाने की जगह भी ये नए नए क्याली पकाया करेंगे। अच्छा, नई हवा तुम बताने देना, अब पुरानी सड़ी हवा में ये बच्चियां दम घोट देंगी, तब तसल्ली होगी तुम लोगों को। सर 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 सर, इसका क्या मतलब कि भगवान इंसान को एक पल में राजा और एक पल में भिखारी बना देता है? ऐसा कैसे होता है सर? ऐसा तब होता है जब इंसान के पास शिक्षा की दौलत नहीं होती, और जिसके पास सरस्वती होती है उसे लक्ष्मी का क्या लो? ठीक है जी सर। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है बहन जी, मेरी किसी बात से कोई नाराजगी पैदा हो गई? नहीं मास्टर जी, आपने भला ऐसी कौन सी टेढ़ी बात कह दी। अब क्या करूं, मैं तो यही कोशिश करता हूं कि बच्चों को अच्छी सीख दूं। वो तो हम देख ही रहे हैं मास्टर जी। हाँ सर, आपने जो कविताएं लिखने को कही थी वो हमने लिख ली है। आपके पास समय हो तो सर सुनाना चाहेंगे। चलिए ना, अभी चलिए ना। अरे इतनी जल्दी लिख भी ली? जी सर। अच्छा तो ऐसा करो, तुम लोग कक्षा में चलो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? इन लड़कियों का जोश और होश मेरे लिए बहुत बड़ी खुराक है। देखिएगा, नई रोशनी आएगी तो इन्हीं जैसे लड़कियों के विचारों से आएगी। अकेले विचारों से कुछ नहीं होता मास्टर जी,
वक्त आने पर ये कागजी विचार रखे के रखे रह जाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहन जी कि इसमें कसूर कहीं हम शिक्षकों का भी है। एक बात बोलूं मास्टर जी, देखिए बुरा मत मानिएगा। नहीं कहिए कहिए। लोग तो कहते हैं कि आप बच्चियों को पढ़ाते कम और भड़काते ज्यादा हैं। वैसे मास्टर जी आपने पूरे स्कूल का माहौल ही बदल के रख दिया। अगर सलाह मशवरा कुछ कम करें तो अच्छा नहीं रहेगा। क्या करूं बहन जी, मैं लड़कियों को पिसते हुए नहीं देख सकता और एक शिक्षक होने के नाते मैं उनका आत्मविश्वास जगाना चाहता हूं। अब आप इसको मेरा जुनून ही कह लीजिए। देखिए ना, गालिब साहब ने क्या खूब कहा है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपका वो लहू क्या है। वाह मास्टर जी वाह, मैं भी आप ही की तरह बनना चाहती हूँ। और आप बहन जी? बेटा बेटी एक समान, ये है मेरी कविता का शीर्षक। बेटा बेटी एक समान, कहने को तो है श्रीमान, जब भी बारी काम की आए बेटी भाग भाग कर जाए। बेटे के हैं लाड बहुत से, बेटी दिन भर ताने खाए। कब जागेगा सच्चा ज्ञान, कब होंगे हम एक समान। मेरी कविता का शीर्षक पराया धन। लड़की है तू लड़की है, माँ बस यही बताती है, दिन भर काम कराती है और बेटी बेटी कहती है। जिनके लिए जीती है न्योछावर करती तन मन धन, फिर भी जाने क्यों कहते हैं लोग हमें पराया धन, लोग हमें पराया धन। सर कैसी लगी हमारी कविताएं? बहुत अच्छी, और कविताओं से भी ज्यादा अच्छी लगी हमारी कविता पाठ करने वाली ये प्यारी सी बच्चियां। सर आपकी बात अलग है, सच बताएं माँ बाप तक तो किसी तरह पल्ला झाड़ने की फिराक में रहते हैं, काम करवाना हो तो बेटी बेटी, नहीं तो पराया धन। आज तेरे को क्या हो गया स्वाति, तू तो कभी ऐसे चुभने वाली बातें तो नहीं करती थी। क्या हुआ बेटा बताओ। सर हमारी पड़ोस में एक घर है, उस घर में जो आदमी है ना सर वो एकदम गड़बड़ है। क्या नाम है उसका? हाँ भोपाल सिंह। सर जब देखो तब शराब पीता रहता है। अच्छा, हो तो क्या, काम पे नहीं जाता सारा दिन शराब पीता रहता है। सर हमने तो जब देखा है उसे तब लड़खड़ाते हुए ही आ रहा होता है वो, और कभी कभी तो नालियों में भी गिरते हुए देखा है। कोई उसे रोकता टोकता नहीं है? सर गांव में कहने भर का ही भाईचारा है। हाँ सर, किसी औरत से कोई चूक हो जाए तो चस्के ले लेकर पंचायत बिठाते हैं, और मर्द के तो 100 कसूर माफ। अच्छा बेटे, आऊंगा तुम्हारे गांव में तुम्हारे भोपाल चाचा से मिलने, साथ साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लूंगा। सर गांव में माँ तो बेचारी क्या खाके मिलेगी आपसे। हाँ पापा से मिल लेना इसके। अरे नहीं बेटा, मास्टर तो पूरे गांव का साझा होता है, उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष। सर आपकी आधी बातें तो हमारे समझ में ही नहीं आती। आएगी बेटे, तुम्हारी समझ में आएगी, शिक्षा का दूसरा नाम समझ ही होता है। भाई साहब नमस्कार, क्या भोपाल सिंह जी का घर यही है? नाम तो मेरा ही है भोपाल सिंह, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई साहब। वो बैठी मेरी बूढ़ी माँ, उससे पूछिए। अरे जब छोटे से देहात में रहना था तो पता नहीं क्यों नाम रख दिया भोपाल। वैसे आपका क्या परिचय है भाई साहब? जी लगता है मैं गलत समय पर आ गया। नहीं, ना गलत समय पे आए हो ना गलत जगह पे आए हो, बिल्कुल सही जगह। आप मुझे देख के परेशान तो नहीं हो रहे हैं? आप क्यों परेशान होने लगे? मेरा आपका तो कोई लेन देन ही नहीं है। मास्टर जी है ये मास्टर जी, ये तो सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन हमें याद है ये कुसुमपुर वाली बुआ है ना मेरी, उनकी देवरानी की बहन का लड़का है ये। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसकी
बुआ के बेटे का बेटा या पोता ना हो। देखिए भोपाल सिंह जी, लगता है ये पीना पिलाना बहुत हो गया। ए मास्टर, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, तुझको पीनी है तो बोल, पेश करता हूँ, वरना मेरी चलती गाड़ी में कामा फुल स्टॉप नहीं चलेगा, समझा? मैं तो सिर्फ तेरा कसूर नहीं है, सारा गांव रोज तमाशा देखता है और मेरे पर ये माँ का आशीर्वाद है। और उस माँ की अच्छाई के बदले आप ये आप पाप छोड़ मास्टर, औरत की बात कर, औरत की, औरत हो तो ऐसी मुंह में जुबान नहीं, बेटे के लिए दिल में प्यार ही प्यार। और एक ये, लेकिन नहीं, ये लुगाई मेरी जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, अरे दो बेटियां हैं मास्टर, अब पढ़ा के क्या कलेक्टर बनाना है, होती है किसी की वासी, मिलती है किसी की वासी में नहीं मिलती है। और मास्टर अब बैठ जा, अरे है कोई भेज भाई किसी को ले, नमस्ते बेटे। ये तो सर जी पकौड़े। सर माँ कह रही है खाना तैयार है, कहो तो गरम गरम डलवा दूँ। एक मिनट पकड़ इसको, ये ले नेक के 10 रुपए, अपनी माँ को दे देना, दूर का भाई लगता हूँ मैं उसका। जा जा। भोपाल सिंह जी एक बात कहूँगा, बड़ा तो नहीं मानेंगे, देखिए अगर आप ये पीना छोड़ दें तो आप जैसा गुणी इंसान मिलना बहुत मुश्किल। ए मास्टर फिसल जाए यहाँ से। जी ठीक है। एक मिनट, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना भाई, तू रिश्तेदार है ना, है? आना फिर कभी। जी बहुत अच्छा, नमस्कार। चाची राम राम। अरे जुरावर, राम राम भाई, राम राम, आप बैठ। घर में सब ठीक ठाक तो है? ठीक ठाक तो क्या बताऊं चाची, माँ कई दिन से बीमार चल रही है, दवा दारू के ले जाना था, पैसे चाहिए थे। हाँ तेरे पैसे, तेरा हिसाब भी तो बाकी है, पर देख चाची इस बार परवर कुछ नहीं, एक तो मेरी माँ बीमार है, ऊपर से अगर आप लोगों से उधार वापस लेने आओ तो आप पर लगा देते हो। तो नहीं है पैसे, कहाँ से दूँ? अब ये भी मैं ही बताऊँ, जब खेत जुतवाने थे तो बड़ी चली आई थी भागी भागी मेरे पास, अरे जोरावर भाई खेत सूख रहा है, जरा जुताई बुताई कर दे, इस बार तेरे पैसे वक्त पर चुका दूंगी। चाची अब कहाँ गया तेरा वक्त? मेरा वक्त तो खराब चल रहा है, पर तुझे क्या हो गया, ये भी भूल गया कि चाची से कैसे बात करते हैं? चाची देख, ना तो मैं तरीका भूला ना तहजीब, बस मुझे तू इतना बता दे मेरा चाचा भोपाल कहाँ मिलेगा, उसी से करूंगा इस बार की वसूली, तेरे बस की बात ना है कुछ। अरे इतना ऊंचा क्यों बोल रहा है, ये घर है कोई चौपाल नहीं। दादी राम राम। अरे चोरावर, हाँ। सारा जोर इसी घर में दिखाना है क्या? दादी क्या हो गया है सारे घर को, सबके सब एक ही भाषा में बोलते नजर आ रहे हैं, अरे अपना पैसा मांगने में गुनाह हो गया क्या, कहाँ सुला रखा अपने सबूत को, ईमानदारी की चिंता नहीं, ऊपर से गुर्राहट अलग। ताऊ के बेटे, कितना हिसाब है तेरा, चल बोल, चल अभी बोल। बड़े भाई हिसाब तो तुम्हें भी पता है और मेरे को भी, चुकाने की नियत है या मुफ्त में चुस्की ले रहे हो? मेरी माँ बीमार है, माँ अस्पताल लेकर जाना है और पैसे चाहिए, तभी तो अपने करार पर खड़े उतरे भले मानुष, पीने को पैसे हैं पर उधार चुकाने को नहीं। अबे तो एक काम कर फिर, तू मुझे उठा के ले चलना, चल चोरावर बहुत जान है ना तेरे में, ले चल उठा के मेरे को चल। अबे तेरे जैसे कबाड़ का क्या करूं मैं, पैसे चाहिए पैसे। मेरे को अस्पताल में गिरवी रख देना, पैसे मिल जाएंगे। अबे तेरे जैसे गिरे हुए को गिरवी कौन रखेगा भला, मैं क्या करूं, हमें खबर वक्त बर्बाद किया। अबे किधर भाग रहा है, माँ का ख्याल रखिए, माँ का फकत पे माँ ही काम आती है।
अरे भोपाल सिंह, अरे ओ भोपाल सिंह, अरे भोपाल सिंह घर में है क्या? है तो चाचा, लेकिन अभी अभी खाना खा कर लेटे हैं, तबीयत खराब बता रहे थे, बड़ी मुश्किल से नींद आई। देखो बेटी, क्यों उस पापी के बाप का भागीदार बनती हो? हाँ, अरे मैं नहीं जानता उसकी नींद और तबीयत को। अरे देनदारी के डर से घर में मुंह छुपाए पड़ा है। जाने दो, जिस दिन बस अड्डे पे आएगा ना, उसी दिन उसकी सेहत बनाऊंगा मैं। पैसे दिए ना तो मिल जाएंगे पैसे, तो भागे जा रहे हैं। तेरी तो उतर गई है शर्म। अरे बच्चियां बड़ी हो गई है लेकिन तेरे को तहजीब नहीं आई है? एक और मास्टर जी आ गए। अरे भाई, ये मेरा घर है, पाठशाला नहीं है। जिसको देखो अंदर घुस के लेक्चर शुरू कर देता है। अगली बार ब्लैक बोर्ड लेके आना। ठीक है, तेरे को तो वक्त ही बताएगा। पापा, किसने कहा था आपसे उठकर आने के लिए? लगा लिया बच्ची को भी अपनी हिफाजत में, कहेगी मत छोड़ना इसको भी। और तू पढ़ाई लिखाई सब भूल कर लग गई बाप की फिक्र में। अरे मेरी फिक्र में ही तो सब लोग सूखे खाटा हो रहे हो। जाओ जाके बिस्तर से लिपट जा, नहीं तो कोई और आ जाएगा कर्जा वापस मांगने। अरे तुझसे चुकाने के लिए नहीं कहूँगा, चुकाऊंगा तो मैं ही किसी न किसी दिन। जलने से रहा भी इस घर में दिया। अरे तो मैंने कहा पढ़ाओ इनको, मैं तो खुद ही मना कर रहा हूँ, पंगा लेती है। अरे पैसे दो, पैसे करो मियां, बगैर पैसे दिए शादी नहीं होगी। अरे ये लो पैसे, पूरे 50,000 हैं। 25,000 इनके हैं और 25,000 मेरे। अब तो हो जाएगी ना शादी। पैसे लड़कियों के पिता के पास पहुंचे नहीं के समझो शादी पक्की। हमें शादी नहीं होने देंगे। अगर आपने शादी की तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ये शादी रुकवाएंगी। जाओ जाओ स्कूल जाओ, आए शादी रुकवाने वाले, भागो यहाँ से। देख लीजिएगा, चलो भागो। अरे मेरे वाली दुल्हन की उम्र इन लड़कियों जैसी होगी ना। अरे यही कोई 15-16 साल की होगी, खुश हो ना। और मेरी दुल्हन, अरे तुम्हारी भी 10-12 साल की होगी, चिंता क्यों करते हो? अरे दूल्हे मियां, जाओ वचकर वचकर खरीदो, जाओ। हाँ सर, भोपाल सिंह ने अपनी दोनों नाबालिग बेटियों का सौदा कर दिया है। सौदा कर दिया है? मुझे तो गाना बिल्कुल ठीक से याद नहीं है, तुझे आता है तो तू ही सुना देना। अरे याद नहीं आ रहा तो मत याद कर, सौदा हुआ है सौदा। ये चाची की मर्जी से नहीं हो रहा, सब भोपाल चाचा की मर्जी से हो रहा है। पूरे 50,000 लिए करम जले भोपाल ने। 50,000? शराब पी पी कर कर्ज बढ़ाता रहा, बहुत मुंह चुराया लेनदारों से, और अब बलि चढ़ी है बेचारी बेटियां। सब समझ गए हम चाची, मगर तुमने होने क्यों दिया ये सब? बच्चे हो ना, नया खून है इसलिए इतना बोल रहे हो। जब खूटे से बांध दिए जाओगे तब पता चलेगा, गाय की तरह रंभाती रह जाओगी और कोई नहीं सुनेगा अब तुम्हारी बात। मेरी मर्जी से हो रहा है ना ये सब, मैंने किया है ना। रो मत चाची, रो मत।
हमारे सर गए हैं ना पुलिस थाने। पुलिस थाने? ये क्या कह रही है तू? हे भगवान, हमारी तो रहीम से इज्जत भी अब चली गई। मास्टर, तूने ये क्या किया? क्या जरूरत थी बीच में आने की? हम मर रहे थे, मरने देते? पूरे गांव में थू-थू होगी, पीढ़ियों तक बदनामी। भोपाल सिंह के यहाँ बारात खाली वापस गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? रो मत चाची, रो मत, होश रख। क्या कर रही हो? चाची, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझोगी तो भला और कौन समझेगा? अभी भी वक्त है अपनी फूल जैसी बेटियों की जिंदगी बचाने का। ये भी कोई उम्र होती है शादी की? और वो भी ऐसी घटिया, अपनी बाप की उम्र की नाकारा लोगों के साथ। सोचो चाची, सोचो। मेरे सोचने से क्या होता है? मेरी तो एक तरफ कुआ है और एक तरफ खाई। नहीं चाची, फर्क है दोनों बातों में। आपको अपनी बेटियों की जिंदगी के लिए लड़ना ही होगा। मगर कैसे? हिम्मत से चाची, हिम्मत से। हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है चाची। तुम सब इतने छोटे होके भी मेरी बच्चियों के लिए इतना कर रहे हो, तो मैं माँ होके भी? आने दो पुलिस को, मैं सच्चाई का साथ दूंगी। ये हुई ना बात चाची। अरे मास्टर, तू हमें काम फंसा दिया तूने लाके, हैं? अरे करता कोई यार, भरता कोई है? अरे जब बेटियों के बाप को ही चिंता नहीं है तो तू इस पूरे गांव को दलदल में क्यों घसीट रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा साहब? अरे चूल्हे में गया दरोगा, पहले मुझे ये बता कि वो बच्चियां कहाँ हैं जिनकी शादी हो रही है, या ऐसे ही हमें थाने से यहाँ ले आया? अरे हम तो आराम से बैठे थाने में ताश खेल रहे थे, यहाँ ले आया महाभारत के मैदान में। ये नहीं थानेदार साहब। अरे बेटी, तू तो मेरी बेटी पुष्पा की सहेली है ना? हाँ। अरे अरे, तो गुड़िया की शादी कर रहे हैं। अच्छा किया मास्टर तूने जो मुझे यहाँ ले आया। अब देख, मैं उस दूल्हे को उसकी असली ससुराल में पहुंचाता हूँ। कहाँ ठहरी है बारात? आइए आइए, चल जल्दी चल, चल रहे। जी हाँ। पैर छो इनके, खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे जमाई मिले। अरे लाख के पचास मिले, बड़ी मेहरबानी आप लोग। पाप तो ना चढ़ाओ ससुर जी। ये लड्डू खाइए। चाचा चाचा, पुलिस आ गई, पुलिस पुलिस। कन्या आ गई? कन्या नहीं, ताऊ पुलिस। अरे जल्दी। चलो मास्टर, जल्दी चलो। लगता है भाग गए सब। दरोगा जी, आज तो आपने कुछ नहीं खाया, भूख तो लगी ही होगी। लो अपना पेट भर लो। अरे यो सब इस मास्टर की मेहरबानी से है, समझा? मेरी मेहरबानी नहीं दरोगा जी, ये जो बच्चियां हैं ना, इनकी मेहरबानी कहिए। अगर ये वक्त से नहीं आती तो आज दो जिंदगियां कुर्बान हो जाती। इन बच्चियों को वीरता पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। देख भाई मास्टर, पुरस्कार तो देगी सरकार, भाई हम तो देंगे सिर्फ आशीर्वाद। अबे मेरे घर में भी तो बेटी है, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ऐसी बेटियां सभी को दे। अरे भाई, दूसरे की आग में कूद कर इन्होंने कितना बड़ा काम किया। ये बात तो है। पराया कहाँ दारोगा जी, अब आग को तो अपना पराया मत करो। ऐसी हर लड़ाई सांझे की है, सांझे की। और हम बच्चियाँ, हमने तो शुरुआत की है एक नई कामयाबी की। शाबाश बेटा। अरे मास्टर, ये बच्चे जरूर नाम करेंगे। भगवान ऐसी बेटियां सभी को दें।